हमारी नेक्स्ट जेएस एप्लीकेशन का एक बहुत ही प्रमुख कंपोनेंट है अबाउट कंपोनेंट। अगर हमारे ब्लॉग में कोई भी आएगा तो वो हमारे ब्लॉग के बारे में जानने की कोशिश करेगा कि यार हमारा ब्लॉग बना क्यों है। इसीलिए हम लोग बना रहे हैं अबाउट पेज। मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाऊंगा कि किस तरह से अलग अलग कंपोनेंट्स की स्टाइलिंग को सेपरेट रखना है। ये काम हम लोग करेंगे अबाउट कंपोनेंट की स्टाइलिंग करके, जल्दी से चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में विदाउट वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। हम लोग अबाउट कंपोनेंट को इस वीडियो में फिनिश करेंगे। जल्दी से अबाउट पेज को निपटा लेते हैं यार। देखो मैं क्या करूँगा, हंडिंग ऑर्डर में आऊँगा और यहाँ पर अबाउट पेज को निपटाऊँगा। अबाउट डॉट जेएस जो मेरा पेज है उसको निपटाने के लिए मैं सबसे पहले क्लोज टू द राइट करूँगा, सारे जो ये खुले हुए हैं इनको बंद करूँगा। और ये करने के बाद मैं कहाँ पर जाऊँगा, मैं खो चुका हूँ एक्चुअली। मेरे पेजेस वाला फोल्डर कहाँ गया, नेक्स्ट ब्लॉक डेटा कंपोनेंट्स पेजेस API को बंद करो, अबाउट डॉट जेएस को खोलो। और अबाउट डॉट जेएस को खोलने के बाद यहाँ पर एक अच्छा सा अबाउट पेज में डिज़ाइन करूँगा। बाय द वे, इससे पहले कि आप लोग को लगे मैं एक जादूगर हूँ, मैं एक जादूगर नहीं हूँ। मैंने यहाँ पर अपना सर्वर चालू रखा हुआ है, ठीक है। जादूगर से याद आया कि मुझे यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लीनअप भी करना है, और मैं थोड़ा बहुत क्लीनअप यहाँ पर चलो बाद में कर लूँगा, अभी जल्दी से अबाउट पेज बनाऊँगा। बहुत ही जल्दी इस वीडियो को मैं ख़त्म करना चाहता हूँ अबाउट पेज बनाने वाले। अबाउट पेज को बनाने के लिए हम लोग सेंटर पे अबाउट हंटिंग ऑर्डर लिखेंगे, ठीक है। अबाउट हंटिंग ऑर्डर तो मैं एक H1 दे दूँगा, और यहाँ पर एमिट काम नहीं कर रही है। जावास्क्रिप्ट रिएक्ट मुझे सेलेक्ट करना था, मैंने जावास्क्रिप्ट कर लिया, रिएक्ट जावास्क्रिप्ट रिएक्ट। अब मुझे एमिट देखने को मिलेगी और मैं यहाँ पर लिख दूंगा अबाउट हंटिंग कोडर, ठीक है। एक H2 लगाऊंगा और इसके अंदर लिखूंगा व्हाट इज़ हंटिंग कोडर, ठीक है, अबाउट हंटिंग कोडर। या फिर मैं कुछ और लिखता हूँ यार यहाँ पे इंट्रोडक्शन, ठीक है। एक पैराग्राफ मैं लिखूंगा यहाँ पर, और मैं यहाँ पर लॉरम 455 लिख देता हूँ, ठीक है। बाय द वे मैं यहाँ पर रैप टेक्स्ट करना चाहता हूँ ताकि आपको दिखे मैंने क्या लिखा है, ठीक है। सेव करा और ये देखो यहाँ पर इस तरह से लिख कर आ गया अबाउट हंटिंग ऑर्डर। अच्छा नहीं लगा ना, इसको अच्छा बनाते हैं। मैं जिस तरह से अपने कॉन्टैक्ट पेज में एक स्टाइल को इम्पोर्ट करके लाया था, उसी तरह से यहाँ पर अबाउट पेज का भी एक स्टाइल बनाऊंगा, और इस स्टाइल का नाम होगा अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट CSS। देखो स्टाइल्स बनाने से कभी डरना मत, ठीक है, जो डर गया वो मर गया। अबाउट डॉट मॉड्यूल डॉट, ठीक है। और इसके अंदर एक डॉट कंटेनर बनाएंगे, और इसके अंदर लिखेंगे मैक्स विड्थ, और मैक्स विड्थ होगी 45 VW, ठीक है। और यहाँ पर मैं क्लास नेम लिखूँगा, क्या लिखूँगा, styles.container, ठीक है। और अगर अभी हम देखें इसको तो ये कुछ इस तरह से आ गया है, तो मुझे यहाँ पर mauto भी करना पड़ेगा, mauto, ऐसे करना पड़ता है। एक्चुअली टेलविंड CSS ने आदत बिगाड़ दी है यार, टेलविंड CSS में काम कर करके मैं इस तरह से करने लग गया हूँ। अब देखो अबाउट हंटिंग ऑर्डर ऐसे आ रहा है, ये इंट्रोडक्शन हो गया, ठीक है। और लॉरम 300 लिखा था, 400 लिखा था, आई एम नॉट श्योर, मैं ये हटा दूंगा यार, कुछ ज़्यादा ही टेक्स्ट हो गया। एक अबाउट हंटिंग ऑर्डर होगा, फिर एक सर्विसेज ऑफर्ड होगा, ठीक है। एक और H2 यहाँ पर लगाता हूँ, एक सर्विसेज ऑफर्ड होगा, और पैराग्राफ में मैं लॉरम 34 लिख देता हूँ, बड़ा छोटा सा सेक्शन बनाऊंगा, सर्विसेज ऑफर्ड ऑफर्ड टू कॉन्टैक्ट अस, और अरे ये क्या हुआ, हाँ पैराग्राफ में लॉरम 56, ठीक है। और ये देखो यहाँ पर अबाउट हंटिंग ऑर्डर आ गया, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन हो गया, सर्विसेज ऑफर्ड आ गया, कॉन्टैक्ट अस आ गया, सब कुछ आ गया, ठीक है। तो ये एक हमारा अबाउट पेज बन गया, ठीक है। वैसे मैं अगर अबाउट हंटिंग ऑर्डर यहाँ से हटा भी दूँ ना तो थोड़ा सा अच्छा ही लगेगा, ठीक है, कुछ इस तरह से। ये आ गया मेरा इंट्रोडक्शन, सर्विसेज ऑफर्ड, कॉन्टैक्ट अस, ये सब चीज़ें आ गई। और अगर मैं जो कंटेनर मैंने बनाया है, इनफैक्ट मैं अगर ये रहने भी दूँ और देखता हूँ कि अगर मैं इसमें एक मार्जिन दे दूँ, लेट अस से 45 पिक्सल्स और 0 की, तो क्या ये थोड़ा अच्छा दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है ठीक ठाक। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करूँगा और इस मार्जिन को थोड़ा बढ़ाने की कोशिश करूँगा। इसको अगर मैं थोड़ा सा और बढ़ा दूँ तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है इस पर। और उसका रीज़न ये है कि मैंने मार्जिन ऑटो कर रखी है। मार्जिन ऑटो पहले मैं ऊपर करूँगा, या मैं एक काम करता हूँ ऐसे कर देता हूँ, ठीक है, अभी ठीक लग रहा है। अभी मैं बढ़ाऊंगा मार्जिन, तो ये देखो मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर सकता हूँ, ठीक है।
जो कि ठीक लग रहा है अभी, ठीक है, अबाउट हंडिंग कोड। अगर मैं इसको सेंटर कर दूँ, ठीक है, हाँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देता हूँ इसका मैं, कंटेनर के अंदर जो ये एच वन है, ठीक है, तो मैं इसको एक क्लास नेम देता हूँ, अब वो होगा स्टाइल्स डॉट सेंटर, ठीक है, डॉट सेंटर में डाल दूंगा टेक्स्ट अलाइन सेंटर, ठीक है, और ये सेंटर पे आ गया अबाउट हंडिंग कोडर, रिलोड करूंगा तब भी सेंटर पे रहेगा, आप देख सकते हो, ठीक है, टेक्स्ट लाइन सेंटर हो गया, इंट्रोडक्शन दे दिया, सर्विसेज ऑफर्ड दे दिया, कॉन्टैक्ट अस दे दिया, ठीक है। एक काम करता हूँ, सर्विसेज ऑफर्ड को ना थोड़ा मैं स्क्रॉल लाना चाहता हूँ पेज में, ठीक है, एक पैराग्राफ लिखता हूँ, वी ऑफर द फॉलोइंग सर्विसेज, ठीक है, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट डालूंगा, लिस्ट आइटम डालूंगा सर्विस वन, और यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, ठीक है, और वो मैं यहाँ पर कुछ भी पॉपुलेट कर सकता हूँ, ठीक है, और ये कॉन्टैक्ट अस आ गए, हमारा अबाउट पेज बन गया, बढ़िया, होम पेज ये रहा, अबाउट पेज ये रहा, ब्लॉग पेज ये रहा, कॉन्टैक्ट पेज ये रहा, इसमें भी खूबसूरती लेके आऊँगा अगले वीडियो में, आप लोग देखते जाना, अभी के लिए सब कुछ ठीक सा मुझे दिख रहा है, ठीक है। सो आई होप कि मज़ा आ रहा है आप लोगों को, नेक्स्ट जीएस की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक किसी ने भी, अगर ज़रूर करना एक्सेस नेक्स्ट जीएस की प्लेलिस्ट को। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।